हेलो गाइस, मैं हूं बनीशा। सी को सिखाओ चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम डीसी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसी प्रिपरेशन के बीच मैं आज आपको 100 क्वेश्चंस करवाऊंगी कंप्यूटर फंडामेंटल के, और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कुछ बेस जो है, अगर क्लियर नहीं भी है तो वो क्लियर पूरी तरह से हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी हैं जिसे आम तौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। तो कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं? सीपीयू को। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए, आम तौर पर आपने कंप्यूटर देखा है तो कंप्यूटर के अंदर आपको इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस, ये तीन चीज़ें आपको दिखाई देती हैं और यही महत्वपूर्ण है। आदान प्रदान और प्रक्रिया, ये तीन चीज़ें होती हैं। माउस, कीबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात सीपीयू और मॉनिटर। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों में जो महत्वपूर्ण डिवाइस हैं वो कौन है? सीपीयू। ठीक है, तो यही इस कंप्यूटर का क्या होता है? मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है। अगला प्रश्न है हमारा, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? देखिए, आपने अगर किसी भी लैंग्वेज में अगर कोई प्रोग्राम बनाया हो तो प्रोग्राम बनाने के बाद उसको क्या किया जाता है? कंपाइल किया जाता है, रन किया जाता है, और कंपाइलिंग के दौरान कुछ एरर या त्रुटि जो आती हैं उसी को हम क्या कहते हैं? बग कहते हैं। और उसको दूर करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है? एरर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? तो आपने इंटरनेट कनेक्टिविटी पढ़ी होगी और उसी के दौरान आपने डायल अप कनेक्शन वगैरह भी पढ़े होंगे, लैंड लाइन वगैरह। टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर के मध्य जो डिवाइस होता है वो कहलाता है मॉडेम, और मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन। ये क्या करता है? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है वो डिजिटल सिग्नल जनरेट करता है, जबकि हमारा टेलीफोन जो है वो एनालॉग सिग्नल को जनरेट करता है। इन सिग्नल्स को ट्रांसलेट करने के लिए हम मॉडेम डिवाइस का उपयोग करते हैं, जिसे कहते हैं मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा सी, मॉडेम। पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकी कंप्यूटर है तो एनिएक, जिसे एकर्ट और मुशली ने बनाया था, या आपने फंडामेंटल में जब जनरेशंस पढ़ी होगी उस दौरान पढ़ा होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा WWW का सही रूप है? ये भी आपने फंडामेंटल में पढ़ा हुआ है। तो WW का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। और इसे बनाया किसने था, ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, टीम बर्नर्स-ली जो थे उन्होंने WW को बनाया था। अगला प्रश्न है, CPU का क्या अर्थ है? तो देखिए, अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं CPU अर्थात क्या, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला है, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेटीएम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो देखिए, जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो पेटीएम के नाम से, ब्रांड से, नाम से बेचा जाता है, आपने कई बार सुना होगा। अगला प्रश्न है, WW के आविष्कारक तथा संस्थापक हैं? तो टिम बर्नर्स-ली। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? देखिए, ऑप्शन ए, साइबर स्पेस। देखिए, ये वर्ड साइबर स्पेस आपने बहुत सुना होगा, अभी साइबर क्राइम, साइबर स्पेस, है ना, सुनने में आते हैं वर्ड्स। तो ये तो इंटरनेट यानी कि सूचना प्रणाली, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। अपलोड भी सुना होगा आपने, है ना, वीडियो अपलोड करना वगैरह। मॉडेम भी इसी से रिलेटेड है। प्रकाश भंडारण, ये नहीं। तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा है? प्रकाश भंडारण। अगला है, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकी कंप्यूटर में क्या था? अभी हमने एनएक की बात करी थी, तो क्या था उसके अंदर? वॉल्व। अगला है, अनुपम क्या है? अनुपम क्या है? ऑप्शन ए, शोध संस्थान है, क्या एक सुपर कंप्यूटर है, या नवनिर्मित प्रक्षेपात्र है, या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है? तो क्या है अनुपम? क्या है? सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं, अगले प्रश्न की। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? आपने फंडामेंटल में पढ़ा होगा कि
सुपर कंप्यूटर जो है परम, इसे भारत के वैज्ञानिकों ने ही बनाया है और सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। और ये जो परम है इसको किस संस्था द्वारा बनाया गया, तो सीडेक, इतना ध्यान रखिएगा आप। अगला है कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई, तो आपने डाटा की इकाई तो पढ़ी होगी है ना, सबसे छोटी कौन सी होती है, बिट है ना, सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, बिट। फिर क्या आता है, बाइट। तो यहाँ पर आंसर थोड़ा गड़बड़ है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखना कंप्यूटर डाटा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है बिट, बिट के बाद होता है नीबल, उसके बाद होता है बाइट, और बाइट के बाद होता है किलो बाइट, किलो बाइट के बाद क्या होता है मेगा बाइट, देन गीगा बाइट, फिर टेरा बाइट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है, तो कौन सी परियोजना है, अनुपम। अगला है एक कंप्यूटर की स्मृति, स्मृति यानी कि मेमोरी सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती हैं। एक बाइट बना होता है, एक बाइट किससे बना होता है, तो आपको पता है कि एक बाइट के अंदर 8 बिट होते हैं, है ना, कितने होते हैं 8 बिट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8 द्विधारी अंकों का। अगला है स्पैम किस विषय से संबंधित है, तो स्पैम जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है, आपने ईमेल वगैरह किए होंगे और ईमेल के दौरान ये स्पैम वर्ड जो है यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न है डाटा के प्रेक्षण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक यानी कि यूनिट है, तो डाटा के प्रेक्षण यानी कि उसको सेंड करते वक्त उसकी जो गति है स्पीड जो है वो मापने के लिए किस यूनिट का यूज़ किया जाता है, तो बीट प्रति सेकंड, यहाँ आंसर क्या हो जाएगा हमारा बीट प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है हमारा इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, तो आपने जब सॉफ्टवेयर पढ़ा होगा तो उस दौरान एक डेफिनेशन पढ़ी होगी कि निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं और प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, तो आंसर क्या है हमारा प्रोग्राम। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पर भारत का पूछा है, इंटरनेशनल लेवल पर नहीं पूछा है, इंटरनेशनल लेवल पर पूछा होता तो आप इजिली बोल देते हैं माइक्रोसॉफ्ट, है ना, तो यहाँ पर भारत की पूछी है तो TCS। अगला प्रश्न है जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है, तो आप जब भी कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं आप तो वो कहाँ चला जाता है रैम के अंदर। प्रश्न थोड़े घुमा फिरा के आएंगे तो आप उसको अच्छे से रीड करके फिर अपना उत्तर दें। अगला प्रश्न है हमारा कंप्यूटर के स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं, स्थायी स्मृति यानी कि परमानेंट मेमोरी, ठीक है, तो परमानेंट मेमोरी कौन सी है, रोम रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है, निम्नलिखित में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है, इंकसेट मुद्रक यानी प्रिंटर की बात हो रही है, ये एक आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है, तो यहाँ पर जो प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता है ये नहीं, ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी निर्गम उपकरण से यहाँ पर हमारा क्या अभिप्राय है, यहाँ पर वो आउटपुट डिवाइस की पूछ रहा है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है पहले कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी, तो देखिए ऑप्शन ए दे रखा है कॉबोल, बेसिक, पास्कल और फोरटेन, तो आंसर क्या हमारा फोरटेन यानी कि फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अगला है कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं, जो आईसी चिप होते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये किससे बनाए जाते हैं, तो सिलिकॉन से। अगला है निम्न में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है, सीआरटी यहाँ पर मॉनिटर की बात हो रही है, सीआरटी आपने पढ़ा होगा कैथोड रे ट्यूब, है ना, तो यहाँ पर कौन सा हिस्सा नहीं है, तो फॉस्फर पर्पट, छाया आछंद, इलेक्ट्रॉनिक गन या गैस प्लाज्मा, तो जो गैस प्लाज्मा है वो कैथोड रे ट्यूब में नहीं होता है, गैस प्लाज्मा किस में होता है, एलईडी एलसीडी वगैरह जो आप अभी देख रहे हैं हाल फिलहाल में। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पर लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है, तो कौन सा होता है अर्धचालक लेजर।
अगला है, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो पहला कंप्यूटर बनाया था चार्ल्स बैबेज ने। पढ़ा होगा आपने हिस्ट्री के दौरान उनकी एनालिटिकल इंजन, जो भाप से चलने वाली एक मशीन थी। अगला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर का लघु उपकरण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से। तो किसके प्रयोग से हो सका है? समाकलित परिपथ चिप से। अगला है, किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्ड का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है? किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्ड का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? श्रेणीबद्ध मॉडल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? तो कौन करता है त्रुटियां, कौन प्रदर्शित करता है? बग। इसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस करा था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी प्रचालन तंत्र। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रचालन तंत्र। अगला है, जब कोई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सुदूर संचार नेटवर्क, ऑप्शन बी स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, ऑप्शन सी विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क, और ऑप्शन डी मूल योजक नेटवर्क। तो आंसर क्या है हमारा इसका? स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। ठीक है, अगला प्रश्न है, आईसी चिप का निर्माण किया जाता है, आईसी चिप का निर्माण किससे किया जाता है? सेमीकंडक्टर से। अगला प्रश्न है, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाले निवेश युक्ति यानी कि इनपुट डिवाइस, देखिए सबसे ज्यादा जो उपयोग में आती है, वो उपयोग में आने वाला जो इनपुट डिवाइस है वो माउस है। अगला है, पद में एमबी का प्रयोग किया जाता है, तो एमबी किसको बोलते हैं? मेगाबाइट के लिए। अगला है, मूल निवेश निर्गम प्रणाली बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? किसके लिए होते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस विद्यमान? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा हार्ड डिस्क पर, ऑप्शन बी यादृच्छिद्रिक अभिगम स्मृति में, ऑप्शन सी केवल माउस स्मृति में, और ऑप्शन डी उक्त में कोई नहीं। यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यादृच्छिक अभिगम स्मृति में। अगला है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए मार्कोनी, दे मार्कोनी तो है ही नहीं क्योंकि मार्कोनी ने तो रेडियो का आविष्कार किया है, एलन एम ट्यूरिंग, अलेक्जेंडर ग्राम बेल, और अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया है, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला है, कंप्यूटर की भाषा में एक मेगाबाइट कंप्यूटर की भाषा में एक मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो देखिए कंप्यूटर की भाषा में जो है एक मेगाबाइट के अंदर 1024 बाइट होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ है तो आप ध्यान रखिएगा 1024। अगला है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास यानी कि रेंज होती हैं, क्या होती हैं? 64 बिट तक। अगला है, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं। तो कंप्यूटर वायरस क्या करता है? ये प्रोग्रामों को नष्ट करता है। किसको नष्ट करेगा? प्रोग्राम को ही नष्ट करेगा ना। अगला है, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है, तो कौन जोड़ता है? मॉडेम। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? तो देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा हार्डवेयर, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर और डाटा जो है ये सॉफ्ट कॉपी के रूप में होते हैं और कंप्यूटर के अंदर होते हैं, इनको आप क्या नहीं कर पाते हैं, टच नहीं कर पाते हैं, हार्डवेयर को आप कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? हार्डवेयर। अगला प्रश्न है, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? तो आपने प्रिंटर के बारे में पढ़ा होगा, डॉट मैट्रिक्स है ना, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है? प्रिंटर। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन जो है वो अभी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम आया था थोड़ी देर पहले, मैंने बताया था कि ये सबसे बड़ी कंप्यूटर क्या बनाती है, सबसे बड़ी कंपनी और क्या बनाती है, ये सॉफ्टवेयर्स बनाती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। और माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के जो ऑनर है वो कौन है? बिल गेट्स, इतना भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है, कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है? तो कंप्यूटर का ब्रेन कौन है? सीपीयू। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है?
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीपीयू। देखिए, प्रश्न आपको घुमा फिरा के दिया जा सकता है, आपको अपना उत्तर पता होना चाहिए। अगला है, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है, तो प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। अगला है, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, इन बिल्ट कौन सी आती है मेमोरी, रोम आती है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, रोम, रीड ओनली मेमोरी। अगला है, कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप किससे बनी होती हैं, ये प्रश्न वापस से रिपीट हुआ है, सिलिकॉन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, कौन सा हार्डवेयर नहीं है, तो देखिए प्रोसेसर चिप तो हार्डवेयर है, प्रिंटर भी एक हार्डवेयर है, माउस भी एक हार्डवेयर है, जावा, देखिए जावा एक लैंग्वेज का नाम है, एक प्रोग्रामिंग भाषा है, तो ये कोई हार्डवेयर नहीं है। तो आज हमने 100 में से 50 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं, 50 क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मॉक टेस्ट के बारे में मैं ज़रा बता देती हूँ आपको, मैंने पिछले वीडियो में मॉक टेस्ट कैसे देते हैं इसकी पूरी प्रोसेस आपको बताई थी। कुछ स्टूडेंट के कमेंट्स आए हैं कि आप MS Excel का मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाइए। मैं आपको बता दूं कि मैंने लास्ट 6 महीने पहले जो मॉक टेस्ट के वीडियो अपलोड किए थे वो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वो वीडियो देख के आप मॉक टेस्ट प्रिपेयर करिए। वो प्रश्न और अभी के मॉक टेस्ट के प्रश्न बिल्कुल सिमिलर हैं, इसलिए मैं दोबारा वीडियो नहीं बना रही हूँ, आप मेरे प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।